मंत्री। नमस्कार साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्सव मनाने के लिए लखनऊ जा रहे हैं, पर लखीमपुर खीरी के अंदर तो आजादी और संविधान दोनों को जीप के टायरों के नीचे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने रौंद डाला। लखीमपुर खीरी में तो किसानों की दर्दनाक दिन दहाड़े कैमरा के सामने हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी में तो इस देश की आत्मा को छलनी कर दिया गया। तो क्या प्रधानमंत्री जी आप इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र के गृह राज्य मंत्री संविधान और आजादी दोनों की हत्या का उत्सव मना रहे हैं? मोदी जी, अगर उत्सव मनाना है, अगर आजादी को याद करना है, तो जाकर लखीमपुर खीरी में एक एक किसान परिवार के, एक एक उस परिवार के आंसू पहुंचिए, सांत्वना दीजिए जिनकी हत्या की गई है। वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टोनी मिश्रा जो आज भी आपके साथ मंत्रिमंडल में बैठे हैं, उनको बर्खास्त कीजिए। उन पर, उनके पुत्र पर और भाजपा के लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। श्रीमती प्रियंका गांधी जी को तो 33 घंटे से जेल की सलाखों के पीछे बंद कर रखा है, इसलिए कि वो किसानों के आंसू पहुंचने जा रही थी। तो आप क्या कर रहे हैं? मनीष गुप्ता की हत्या हुई, मनीष गुप्ता के हत्यारों का पता नहीं चला, और 36 घंटे बीत जाने के बाद भी लखीमपुर खीरी के हत्यारे सरेआम घूम रहे हैं। क्या आपकी आत्मा आपको झकझोरती नहीं? क्या ये उत्सव है आजादी का, जब आजादी और संविधान दोनों को जीप के टायरों के नीचे रौंद दिया जाए? सही कहा है एक कवि ने, और मैं पढ़कर बताऊंगा। खैर नहीं तुम लोगों की, जो कहता हूं वो काम करो। जब रौंद दिया जाए जीवन, तुम इसको जीवन दान कहो। ये है मोदी जी आपकी लाइनें। जब खून की नदियां बहती हों, तुम बोलोए बहार आई है। मातम का मानो महोत्सव, तुम उजड़े चमन को आबाद कहो। जहर को तुम अमृत बोलो, कैद को तुम आजाद कहो। खैर नहीं तुम लोगों की, जो कहता हूं वो काम करो। मोदी जी ये कह रहे हैं, आप इस देश के प्रजातंत्र को, संविधान को, कानून को जागिए अब भी, वरना ये जनता है, ये जनता संविधान की प्रहरी है, रक्षक है। प्रियंका गांधी जी को तो आप किसानों के आंसू पहुंचने से रोक सकते हैं, पर जम सैलाब जब उठेगा तो वो आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। जाग जाइए। धन्यवाद।